सोलन में हिंदू जागरण मंच द्वारा पर्यावरण दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान कर अपने सामाजिक दायित्व को पूरा किया। पिछले काफी समय से सोलन में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से शहर में रक्तदान शिविर ज्यादा आयोजित नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि सोलन अस्पताल में रक्त की भारी कमी देखी जा रही है। इसी रक्त की कमी को पूरा करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा करीबन 35 यूनिट रक्त का दान किया गया। इस मौके पर संस्था द्वारा शहरवासियों को अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने का आह्वान किया गया। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि अस्पताल में रक्त की कमी चल रही है, तो उन्होंने रक्तदान शिविर के आयोजन करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण दिवस पर रक्तदान किया गया। कोई भी व्यक्ति रक्त की कमी से अपनी जान ना गंवा दे, इसलिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज करीबन 50% युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया है। वहीं एक व्यक्ति बीरेंद्र सूद ने 36वीं बार रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि वे 65 वर्षों के हो चुके हैं, लेकिन वे रक्तदान करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। यहां तक कि वे अपना शरीर भी दान कर चुके हैं, ताकि वे समाज के काम आ सके। इसी तरह समाज के प्रत्येक वर्ग को समाज की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। जैसा कि पूरे विश्व में ही एक महामारी संकट हम लोगों को अभी देखने को मिला, तो एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश के सामने एक रक्त का भी आ गया था। हॉस्पिटलों में रक्त की कमी होने लगी थी। इसी बात की तरफ हिंदू जागरण मंच ने गौर किया और पूरे प्रदेश भर में इस तरह के रक्तदान शिविर लगाने शुरू किए। आज सोलन इकाई में भी इसी तरह का एक रक्तदान शिविर का आयोजन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। और हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ की तरफ से, हॉस्पिटल पूरे जो यहाँ का शासन प्रशासन है, सभी की तरफ से हम लोगों को पूरा सहयोग मिला। और यहाँ का जो आम जनता है, उन्होंने भी हम लोगों का बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। सभी युवा हमारे साथी रक्तदान करने आए और हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता अलग अलग इकाइयों से भी रक्तदान करने आए। सोलन में आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने रक्तदान शिविर जो लगाया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कोरोना महामारी के दौर में हमने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में मरीज तो आए हैं, लेकिन इस तरह के डोनर्स बहुत कम आए हैं। तो एक रक्त की कमी के कारण कोई व्यक्ति अपने जान से हाथ ना गवा बैठे, इसलिए हिंदू जागरण मंच ने आज इस आयोजन को यहाँ किया है सेवा भारती के माध्यम से। अभी तक हमारा जो है 35 यूनिट ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अभी बाकी जो सज्जन बंधु और भगिनियाँ हैं हमारी, वो कतार में है, उनका नंबर भी आएगा। संभवतः ऐसा है कि शायद 50 से ऊपर हम लोग, 50 यूनिट से ज़्यादा आज यहाँ पे रक्तदाता जो है रक्तदान करेंगे। और जो रक्तदाता जो डोनेट करता है, वो 24 घंटे में उसका रक्त जो है रिकवर हो जाता है, उसमें कोई कमजोरी नहीं आती। एक भ्रम फैला हुआ है कि रक्त देने से कमजोरी आ जाती है, और 3 महीने बाद मनुष्य पुनः रक्तदान कर सकता है, आवश्यकता है। तो इसमें रक्त एक बार पहले डर रहता है सभी को, लेकिन आज हमारा जो ये ब्लड डोनेशन कैंप था, इसमें 50% लोग जो है नए डोनर थे, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने डोनेट किया। और एक पहले जैसे वीरेंद्र सूद जी का जिक्र आया, उन्होंने 40 बार उन्होंने अपना रक्त डोनेट कर चुके हैं, अपना शरीर भी देह भी दान कर चुके हैं। आज मैं 36वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। हालांकि आयु की सीमा के तहत इन्होंने मुझे रखा था कि आज नहीं करेंगे, मैंने कहा मैं रेगुलर डोनर हूं और अपना बीपी की कोई दवाई नहीं खाता, शुगर की कोई दवाई नहीं खाता, मेरा बीपी ठीक है, नॉर्मल इन्होंने चेक किया, मुझे स्वस्थ पाया, तो मैंने आज ब्लड डोनेशन किया है। तो इसी को समझते हुए कि समाज में आज के समय में कोरोना से लड़ना है और पर्यावरण दिवस पर अपने आप को साफ सुथरा और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना, मैं 65वें साल में 36वीं बार रक्तदान करके अपनी बॉडी को डोनेट करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मैं समाज में एक संदेश देना चाहता हूँ, स्वयं सेवक हूँ, समाज के काम आए। एक आदमी आया है अपना जीवन जिए और समाज का भी साथ साथ ध्यान रखे,